नरसिम्हा राव जी के सवाल है कि मैं शुरू से उनके चरणों में जुड़ा रहा हूं, आज भी मेरे वो हृदय में है और मेरे हृदय में रहेंगे। हमारी कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप ने, कांग्रेस की कांग्रेस की लीडरशिप ने जितना बेइज्जत, जितना अपमानित, उनकी जो आखिरी सांस जब निकला, जब उनकी पवित्र देह थी, बॉडी थी, उनको ऑफिस में भी जाने नहीं दिया, ऑफिस को ताला लगा दिया गया। मैं तो उनके उनकी बॉडी के आखिरी समय तक साथ रहा। जब उनकी बॉडी को आंध्र प्रदेश लेके गए तो बॉडी को भी पूरा नहीं, उनका पूरी तरह संस्कार नहीं हुआ, उसको अपमानित किया गया, फिर दोबारा संस्कार करना पड़ा। तो ये एक पॉलिसी थी लगातार तरीके से जो सम्मानों की घोषणा कर रही है, किस तरीके से लेकर खास करते नरसिम्हा राव के रहने। नरेंद्र मोदी जी की एक सोच और एक पॉलिसी थी, डेवलपमेंट, विकास, टेररिज्म को खत्म करना, धर्म के ऊपर काम करना, और जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए कोई अपने वक्त में अच्छा काम किया है उनको, लोगों को, आने वाली जनरेशन को उनकी सोच बताना कि इन्होंने क्या क्या किस सोच से, किसी ने इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर काम किया, किसी ने डिफेंस के ऊपर किया, कोई दलित लीडर था उन्होंने उस वक्त संघर्ष किया, तो आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर जज्बा पैदा करना कि आप भी आने वाले वक्त के अंदर सबकी शिक्षा लेके ऐसे व्यक्ति बनो। और जहां तक नरसिम्हा राव जी के सवाल है कि मैं शुरू से उनके चरणों में जुड़ा रहा हूं, आज भी मेरे वो हृदय में है और मेरे हृदय में रहेंगे। मुझे नहीं उम्मीद थी कि नरसिम्हा राव जी को नरेंद्र मोदी जी या गवर्नमेंट जो है वो भारत रत्न अवार्ड देगी, क्योंकि हमारी कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप ने, कांग्रेस की कांग्रेस की लीडरशिप ने जितना बेइज्जत, जितना अपमानित, नरसिम्हा राव जी को, जिन्होंने ये देश गिरवी रखा जा चुका था, देश का सब सोना गहना सब कुछ हमारा गिरवी रखा जा चुका था, उस वक्त उन्होंने एक नई पॉलिसी लाके इस देश को एक नया रास्ता दिया, तब ही उस रास्ते पे आज हम सब चल रहे हैं। तो उनकी जो आखिरी सांस जब निकला, जब उनकी पवित्र देह थी, बॉडी थी, उनको ऑफिस में भी जाने नहीं दिया, ऑफिस को ताला लगा दिया गया। मैं तो उनके उनकी बॉडी के आखिरी समय तक साथ रहा। जब उनकी बॉडी को आंध्र प्रदेश लेके गए तो बॉडी को भी पूरा नहीं, उनका पूरी तरह संस्कार नहीं हुआ, उसको अपमानित किया गया, फिर दोबारा संस्कार करना पड़ा। तो ये एक पॉलिसी थी, कुछ समुदायों को कुछ करने के लिए एक पॉलिसी थी कि जीते जी तो अपमानित किया, राष्ट्र के लिए अगर भारत रत्न मिलना चाहिए था तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में मिलना चाहिए था, अगर भारत रत्न मिलना चाहिए था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में मिलना चाहिए था। उन्होंने अपमानित किया, बुरी तरह अपमानित किया, नरसिम्हा राव जी के पॉलिसी को, देश को, तरक्की, देश में टेररिज्म को समाप्त करना, जम्मू कश्मीर के अंदर कंट्रोल लाना, और पंजाब के अंदर अगर टेररिज्म कंट्रोल हुआ तो वो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे हुआ, भारत रत्न के हकदार उस वक्त थे, आज वो हकदार नहीं है, उस वक्त हकदार थे अपनी पार्टी जैसे इन्होंने लाल किशन आडवाणी जी किया। पर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी ऐसी है, उन्होंने कहा पार्टी नहीं देखी जाएगी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अमीर, गरीब, नीचे दबा हुआ आदमी देखा नहीं जा, दबे हुए आदमी को भी उठा के ले जाया जाएगा। और आज हमारी हिंदुस्तान की राष्ट्रपति एक मिसाल है, कहां से कहां उठा के उनको बिठाया। तो मैं किस शब्दों से नरेंद्र मोदी जी का या उनकी पूरी कैबिनेट का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति काबिल थे, ये व्यक्ति आने वाली जनरेशन के लिए का दर्द थे, इनकी सोच थी इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरीके से बढ़ाना, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर काम किया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने किया, आज जो राम जन्मभूमि का भी अगर निर्माण हुआ है तो उस वक्त बाबरी मस्जिद टूटी ना होती तो शायद आज निर्माण ना होता। तो उन लोगों ने अपने टाइम पे बहुत काम किया, मैं आभारी हूँ गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे कांग्रेस के उस वक्त के नेताओं को जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के कारण मेरे ऊपर भी जुल्म किए, मैं जुल्म सहता रहा, मैंने कहा उसकी रूह के भी साथ में, जीते जी तो साथ था, कोर्ट कचहरी में उनको ले जाया गया, ये सब एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शरारत थी। हम एक पूरा ताकत बन के उस भगवान की कृपा से उनके साथ खड़े रहे,
उन्होंने जो राष्ट्र के लिए काम किया था, पर जिस तरीके से नरसिम्हा राव जी का जो साथ हम रहे उसके कारण जो मुझे दलील किया गया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार बनाया गया चिदम्बरम जैसे लोगों ने और लोगों ने, वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जो नरसिम्हा राव जी को अपमानित किया उनके जाने के बाद भी वो हम कभी तक भूल नहीं पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी, देश की पार्टी, नरसिम्हा राव जी जैसे लोग और सरदार पटेल जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से हम सबने खून सजाया था, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह अपमानित किया है। और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सजाया था उनका इन्होंने दुरुपयोग किया है।